गुर्जर समाज प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। यह समुदाय गुर्जर, गुजर, गोजर, गुर्जर और वीर गुर्जर नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे हैं। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुर्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात जिला और गुजरावाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुजर खंड है। प्राचीन काल में युद्ध कला में निपुण रहे गुर्जर मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय जुड़े हैं। गुर्जर अच्छी युद्ध माने जाते थे और भारतीय सेना में अभी भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुर्जर महाराष्ट्र, जलगांव, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। सामान्यतः गुर्जर हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मों में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम तथा सिख गुर्जर हिंदू गुर्जरों से ही परिवर्तित हुए। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृति भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मीर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कोकस क्षेत्र अभी के आर्मानिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान ने विदेशी भी मानते हैं, क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। संस्कृत के विद्वान के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द जिसका अर्थ शत्रु करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महीपाल को अपने महाकाव्य में दाढ़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते तथा कनिष्क के रवातक शिलालेख पर अंकित गुसुर और गुर्जर का एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुसुर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आए, क्योंकि गुसुर का अर्थ उच्चकुलीन होता है। इतिहास के अनुसार 5वीं सदी में भीनमाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी तथा इसकी स्थापना गुर्जरों ने की थी। 6वीं से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मीर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी बड़ी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के पहले ही प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ और एक कई राजवंशों में बट गए, जैसे चौहान वंश, सोलंकी वंश, चंदेला और परमार वंश। अरब लेखों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत में 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते। 18वीं सदी में गुर्जरों के कुछ छोटे छोटे राज्य थे। दादरी के गुर्जर राजा दरगाई सिंह के अधीन 113 ग्राम थे। मेरठ का राजा गुर्जर नैन सिंह था तथा उन्होंने परिशक्तिगढ़ का पूर्ण निर्माण कराया था। भारत गजेटियर के अनुसार 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश के बहुत
बुरे दुश्मन साबित हुए। गुर्जरों का 1857 क्रांति में अहम योगदान रहा है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर 1857 क्रांति के शहीद थे। पन्ना धाय जैसी वीरांगना पैदा हुई जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए और तोमर वंश के गुर्जरों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की। देवनारायण चौहान राजवंश के नागवंश के क्षत्रिय गुर्जर जैसे राजा हुए जिनका मूल स्थान वर्तमान अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजा किसानों को लूटा करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर उन्होंने किसानों को मजबूत किया। मोतीराम बैसला जैसे पराक्रमी हुए जिन्होंने मुगलों को आगरा में ही रोक दिया। धन सिंह जी कोतवाल हुए जिन्होंने सबसे पहले मेरठ में अंग्रेजों से लड़ने का बिगुल बजाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने पूरे देश के राजा महाराजाओं की विरासत को एक करके नव भारत का निर्माण किया। इस देश की रक्षा के लिए इस वीर गुर्जर जाति ने लाखों बच्चों की कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने वाले गुर्जरों में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी बदमाश समुदाय कहकर पुकारा था, इसलिए उस वक्त अंग्रेजों की सरकार ने गुर्जरों की बागी घोषित कर दिया था। इसी वजह से गुर्जर जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे और इसी कारण गुर्जर पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।